And welcome back to Step by Step Study. So the much awaited notification for SSC CGL 2022 exam is finally out now. Kuch points hain and which are important and kuch changes hain which I thought ki ek baar discuss kar lete. This will be a brief video. Baaki details agar kuch required hongi, so I'll keep you updated about that. First of all, dates dekh lete hain jo ki crucial hain. That is date of submission of online application 17th September से 8th October तक है. तो please don't wait for the last date, पहले ही apply कर देना and जल्दबाजी भी मत करना. Go through the notification completely, क्या क्या specifications, photo, signature and degree and graduation dates and जो भी required dates हैं, age limit and all, उनको सबको देख के उसके बाद ही apply करना. Last date will be 8th of October till 11 PM. देन बाकी सब डिटेल्स आप देख सकते हो. करेक्शन विंडो ओपन होगी 12th अक्टूबर से 13th अक्टूबर तक. ऑल्सो जो टीयर वन का एग्ज़ाम है दैट इज़ टेंटेटिवली दिसंबर में ही हो सकता है. टेंटेटिव शेड्यूल है, बाकी कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी इन द ड्यू कोर्स. बट बी प्रिपेयर्ड कि इट अगर इफ़ इट विल बी इन मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर. और मार्जिन रखने के लिए आई थिंक आप फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर को ही कंसिडर करके चल सकते हैं. देन कमिंग टू द टीयर वन एंड टीयर टू स्कीम ऑफ एग्ज़ाम, दिस टाइम देयर विल बी ओनली टू टीयर्स ऑफ द एग्ज़ाम. टीयर थ्री टीयर फोर नहीं है, टीयर वन और टीयर टू के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन हो सकता है. टीयर वन के एग्ज़ाम में जैसा हर साल होते हुए आया है, there will be four sections. First general intelligence and reasoning, then general awareness, then quantitative aptitude और उसके बाद English comprehension. हर एक में 25 questions होंगे and the total marks will be, maximum total marks will be 200. 1 hour का exam होगा as always, but there are some major changes जो कि tier 2 exam में अब आपको देखने को मिलेंगे. सो एक बार उसे देख लेते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं. सो टीयर टू एग्ज़ाम में अब तीन पेपर्स होंगे, पेपर वन, पेपर टू एंड पेपर थ्री. पेपर टू एंड पेपर थ्री अगेन सेम है जो कि पेपर थ्री और पेपर फोर पहले होते थे. पेपर टू इज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर. इस बार JSO पोस्ट ही है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड टू की पोस्ट नहीं है. ओके, एंड पेपर थ्री विल बी फॉर AO जनरल स्टडी जिसमें फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स आता था. देर इज़ नो चेंज इन पेपर टू एंड पेपर थ्री फॉर JSO एंड AO. जो चेंज आया है दैट इज़ इन पेपर वन एंड पेपर टू जो पहले होते थे उनको क्लब करके पेपर वन कर दिया है फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड अब इसमें सेक्शंस हैं. सो सेक्शन वन में मैथ्स होगा, मैथमेटिकल एबिलिटीज़, जिसके 30 क्वेश्चंस आएंगे. एंड उसी सेक्शन में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस भी इंक्लूड किया गया है जो कि पहले बस टीयर वन में होता था. नाउ इट इज़ इन टीयर टू एज वेल, जिसके 30 क्वेश्चंस अगेन होंगे. टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे एंड मैक्सिमम मार्क्स विल बी 180 मार्क्स होंगे. एंड 1 hour का ये आपका फर्स्ट सेक्शन होगा. देन सेक्शन टू विल बी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें कि 45 क्वेश्चंस आएंगे. एंड अब इसमें जनरल अवेयरनेस भी इंक्लूड कर दिया है जो कि अगेन बस टीयर वन में ही होता था, जिसके 25 क्वेश्चंस आएंगे. टोटल क्वेश्चंस सेक्शन टू में 70 होंगे, अगेन 3 मार्क्स ईच, एंड टोटल विल बी ऑफ 210 मार्क्स. तो मैथ्स और इंग्लिश जो पहले होता था टीयर टू में, अब मैथ्स एंड इंग्लिश के साथ यू हैव रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल अवेयरनेस. नॉट ओनली दिस, अब आपके पास एक और पेपर भी होगा विच विल बी योर सेक्शन थ्री, जो कि कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल होगा, जिसमें 20 क्वेश्चंस आएंगे रिलेटेड टू योर कंप्यूटर नॉलेज. अगेन 3 मार्क्स ईच, विच मेक्स इट ऑफ 60 मार्क्स. ये हुई बात रिटन एमसीक्यू पेपर की. बट नाउ अब जो हमारा टीयर फोर होता था जिसमें कि डेटा एंट्री एंड ऑल होता था, अब इसमें ही इसको इंक्लूड करके डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल ऐड कर दिया गया है टीयर टू
वाले दिन ही होगा ये, विच विल बी सेशन टू ऑफ 15 मिनट्स। यहाँ पे आपको वन डेटा एंट्री टास्क दिया जाएगा एंड यू हैव टू क्वालिफाई इट। एंड सो टीयर टू विल बी नाउ ऑफ 3 सेक्शंस, सेक्शन वन जिसमें मैथ्स रीजनिंग, सेक्शन टू जिसमें इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस, एंड सेक्शन थ्री जिसमें कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल होगा। कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया गया है, सो दिस विल बी इम्पॉर्टेंट एंड विल सी कि इसमें क्या क्या डिस्कस हम कर पाएंगे। ऑल्दो वी हैव डिस्कस सम कंप्यूटर अवेयरनेस वीडियोज ऑन द चैनल फॉर बैंकिंग, बट फॉर SSC विल सी वॉट ऑल इज इम्पॉर्टेंट। देन सेक्शन टू डेटा एंट्री टेस्ट भी आपका टीयर टू के साथ ही होगा, सो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। देन कमिंग टू योर पेपर टू एंड पेपर थ्री, एज आई सेड स्टैट्स एंड जनरल स्टडीज फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स दे आर ऑलमोस्ट सेम। बाकी आई हैवंट गॉन एग्जैक्टली थ्रू द सिलेबस, बट एक ओवरव्यू देखने पे इट सीम्स कि स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस इज द सेम, देर आर नो चेंजेस। ओके, सो टीयर टू विल इंक्लूड कंडक्टिंग पेपर वन, पेपर टू एंड पेपर थ्री इन सेपरेट शिफ्ट और डेज। पेपर वन कंपल्सरी होगा सब पोस्ट के लिए, पेपर टू विल बी फॉर JSO, देन पेपर थ्री विल बी फॉर AO एंड फॉर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, राइट। बाकी पेपर वन में एज आई जस्ट टोल्ड यू 3 सेक्शंस होंगे जिसमें 2 मॉड्यूल्स होंगे ईच। मॉड्यूल वन मैथ्स एबिलिटीज, देन रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, देन सेक्शन टू में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, जनरल अवेयरनेस, सेक्शन थ्री में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट एंड डेटा एंट्री टेस्ट, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। बाकी डिटेल्स विल डिस्कस इन ड्यू टाइम, बट ये जो मेजर चेंजेस थे, वी हैव बीन रिसीविंग मेनी मैसेजेस एंड कॉल्स रिगार्डिंग इट, सो या देर हैव बीन चेंजेस, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस रहे हैं, सो लेट्स सी व्हाट ऑल कम्स आर वे। बी प्रिपेयर्ड एंड कीप योर प्रिपरेशंस, स्टार्ट योर प्रिपरेशंस इफ यू हैव नॉट, एंड दैट इज इट फॉर टुडे। टीयर वन की प्रिपरेशन आपने आई होप स्टार्ट कर दी होगी, इफ नॉट यू कैन स्टार्ट इट राइट अवे। टीयर वन में कोई भी चेंजेस नहीं है, जो भी चेंजेस हैं टीयर टू में है। वन गुड थिंग इज देर विल, इट हैज़ बीन मैंशन इन द नोटिफिकेशन कि देर आर अप्रॉक्स 20,000 वैकेंसीज, कैसे डिवाइड करेंगे एंड कैसे स्पेसिफाई करेंगे वो भी दे हैव टोल्ड कि इट विल बी रिलीज्ड ऑन द वेबसाइट इन द कमिंग टाइम। सो होप फॉर द बेस्ट, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे अहेड।